अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने ये सीखा कि किस तरह गोलकुंडा के कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज का इस्तकबाल किया और किस तरह शिवाजी महाराज ने अपना पहला मकसद यानी कर्नाटक की मुहिम को पूरा किया। प्यारे बच्चों, अब हम शिवाजी महाराज और उनके सौतेले भाई वेंकोजीराजी की मुलाकात का हाल जानेंगे। आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज अबुल हसन कुतुब शाह की दावत पर गोलकुंडा पहुंचे और वहां से कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए और चेन्नई के किले का मुहासरा भी किया। उसे चारों तरफ से देखकर उसको फतेह करने का इरादा किया। चेन्नई किले को फतेह करने के लिए करीब के किले से तोपखाने के जरिए उन्होंने गोले बरसाए और जिंजी के किले को फतेह किया। उसके बाद शिवाजी महाराज उनके दूसरे मकसद की तरफ रवाना हुए। उनका दूसरा मकसद उनके सौतेले भाई वेंकोजीराजे को स्वराज के कयाम में मदद लेने के लिए था। वेंकोजीराजे कुछ दिन तक शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात कुछ कहे बगैर तंजावर चले गए और उनकी फौज पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज की फौज ने उन्हें शिकस्त दी। भाई के इस तर्ज अमल पर शिवाजी को बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने वेंकोजीराजे को समझाने के लिए एक खत लिखा। जिंजी के जुनूब का कुछ इलाका उन्हें दिया। उनकी बीवी दीपाबाई को इखराजात के लिए कर्नाटक का कुछ इलाका भी दिया। शिवाजी महाराज ने वेंकोजीराजे को खत में लिखा कि हिम्मत और हौसले से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की कामयाबी के बाद रायगढ़ वापिस चले गए। इस मुहिम की वजह से वो थक से गए थे और खबर मिलते ही उन्हें जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ पहली मुहिम पर जाना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी। उन्होंने 30 से 35 साल सख्त मेहनत की थी और वो बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्हें कुछ आराम की जरूरत थी।